अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, शुक्र अल्लाह का। मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो गाइज, अल्लाह एकदम से कुछ भी हो जाता है, हमें पता ही नहीं होता। हमारा अचानक से आज प्लान बना है अजमेर जाने का। तो गाइज, हम लोग जा रहे हैं अजमेर, और आज ही सुबह हमारी टिकट्स कन्फर्म हुई हैं। पहले क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग ट्रेन की टिकट्स करा रहे थे, लेकिन हो ही नहीं रही थी। तो फिर लास्ट में हमने डिसाइड किया, ठीक है कोई बात नहीं, ट्रेन नहीं हो रही है, बस से जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्लान कर लिया था। तो अभी हम जा रहे हैं, हमारा प्लान बना है अजमेर जाने का, और अचानक से प्लान बन गया। कोई हमने पहले से कुछ नहीं सोच रखा था कि हम जाएंगे या नहीं, वहाँ पे जाना है। तो हाँ, तो हमारा प्लान बन गया अभी अजमेर जाने का। तो अभी मेरा थोड़ा सा सामान रह गया था, तो मैं वापस अभी वही सब कुछ लेने थी। मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी वाली जाने के लिए, और मम्मा भी हैं रेडी। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट में, मिलते हैं। गाइस, जो सामान हमारा रह गया था वो हमने ले लिया है, अब हम जा रहे हैं वापस घर। घर जाके आपको सामान दिखाते हैं। घर आ गई हूँ, और बस जल्दी जल्दी वहाँ से सामान लिया और आने जाने का ऑटो करा। तो यार, स्कूटी चलानी आनी चाहिए, क्योंकि मेरे 600 रुपीज़ बिना फालतू के सिर्फ ऑटो में जाते, जस्ट बिकॉज मुझे स्कूटी चलाना नहीं आती है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। वरना स्कूटी लो, 100 रुपये का पेट्रोल डलवाओ और आप आधी दुनिया घूम के आ जाओ। मजाक कर रही हूँ, लेकिन फिर भी 100 रुपये के पेट्रोल में आप मे भी राजौरी गार्डन से हैं भाभी, आना जाना कर सकते हो अगर आपको चलानी आती है तो। वरना मैं आज गई हूँ, मैं कैब से जाती हूँ तो मेरे 1000 रुपये लग जाते हैं, और आज मैं ऑटो से गई हूँ तो मेरे 500 रुपये लगे। तो गाइस, मैं आज ये लेकर आई हूँ सेम शॉप से एक दूसरी टॉप, ये देखें, मैं वाइट कलर लेकर आई हूँ। ये कलर मुझे दिखाऊ मुइजा को, मुइजा देखो, मुइजा देख रही है मम्मा की न्यू टॉप। तो गाइस, एक मैंने ये न्यू टॉप लिया है, बहुत प्यारा लग रहा है, पहनने के बाद ज्यादा प्यारा लगेगा। और अब जब हम अजमेर जा रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र एक चीज बहुत अच्छी हो गई। आहार आहार वो दिखाना मेरे कपड़े, भाभी एक सेकंड रोको। तो गाइस, साथ ही जो मैंने इतने दिन से सूट सीने के लिए दे रखे थे, वो भी आ गए हैं आज ही। मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, ताकि मैं पहन सकूं। तो देखें, ये मेरा बहुत प्यारा सा सूट वाइट कलर का, अब मैं यही दरगाह पर पहनूंगी। ये मैंने सिलवाया था, बिल्कुल अफगानी सूट है ये, बहुत प्यारा सा इसका पजामा। और आज मैं इयररिंग्स लेकर आई हूँ, एक मैच होंगी अब इसके साथ। वैसे मैं इसी सूट का सोच के लेकर आई थी ये, और अल्लाह का शुक्र है ये सिल भी गया। अभी बस थोड़ी बहुत रह गई हैं, भाई भी तैयार हैं माशाल्लाह से। इतर दे दे बिलाल, मुझे भी बिलाल भाई का इतर मेरे पर्स में देना। तो भाई का इधर लगा रहे सब लोग, मांग मांग के बिलाल का इधर किस में था, बैठे थे तब निकलेगा इंशाल्लाह। तो गाइस, ये मेरे सबसे बड़े भाई, आप पहली बार इनको व्लॉग में देख रहे हैं। आज हम हमारे साथ हमारे भाई भी जा रहे हैं अजमेर। चले, बस हो गए तैयार। तो गाइस, फाइनली मैं अपने भतीजे को छोड़ के घूमू घूमू करने जा रही हूँ, ये मुझे मिच करेगा अमीश। और आई रही हूँ अजरा, कहाँ गई, उसको भी लो रेडी फॉर अजरा। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं, और मम्मा को करेंगे बहुत ज्यादा मिस। मम्मा की थोड़ी तबीयत खराब है, वरना मम्मा हमारे साथ ही जाती है। हाँ, और हमारी भाभी भी नहीं जा रही, बिकॉज इसीलिए मम्मी के पास रुकेंगी। हाँ, वो मम्मी के पास जी नहीं, किसी के मियाँ और बीबी वैसे भी नहीं जा रहे, तो हम जा रहे हैं अपनी मम्मी के छोड़ के। चलो भाभी, ध्यान रखना सबका लोग। हाँ भाभी, अपना भी ध्यान रखना। हम लोग कर रहे हैं ऑटो का इंतजार, बिकॉज पहले हम जाएंगे निजामुद्दीन, वहाँ पे सलाम करेंगे, उसके बाद हम अपने पहले हम आए हैं निज़ामुद्दीन, इसके बाद हम जाएंगे बस स्टैंड, क्योंकि हमारी बस की टाइमिंग में अभी काफ़ी देर है। भाई मुझे हमारे भाई खुद ही बने हुए हैं। हाँ, हमारे भाई बहुत अच्छे, सारा सामान खुद ही पकड़ ला खा लो। में
दो ले लो, दो है ना, दो डर गए। लाल भाई चादर चढ़ाएंगे, मैंने ही बहुत उससे कवर किया हुआ है। लड़के चढ़ाते हैं ना, एक अमानत तुम ले लो। निजामुद्दीन दरगाह की बैक साइड है और ये यहाँ की बाबरी है। खाली रोटी लेट हो जाएंगे। उधर से ले लो, आप रो रही हैं। दरगाह और यहाँ पर इन लोगों ने लिया है लंगर और ये लेना सवाब है। आप इसका एक एक निवाला खाएं और ये लाइए शापी। ये वो चिकना ही नहीं खाएगी। यहाँ से ज़ियारत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से। बस ये लोग लंगर खा रहे हैं। मन्ना कुछ खा लिया हो तो चले, अब कभी बस निकल जाए हमारी। कितना खाओगे, कितना खाओगे? अरे भैया तबर्रुक ना, तबर्रुक भी थोड़ा थोड़ा खाते हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं बस स्टैंड पर। लंगर लेकर आई थी सबके लिए जी, मैंने सबको लंगर खिलाया। मतलब हमारे अजमेर जाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम जा रहे हैं अपने भाई की वजह से। हमारे भाई बिलाल के लिए बहुत सारे लोगों ने मन्नत मांगी थी, जिनमें से कुछ लोग अपनी मन्नतों को पूरा नहीं कर कर आए, इसलिए मम्मी का मानना ये है कि हम भाई को लेके जाएं। ज़ियारत हो गई है पूरी, अब यहाँ से हम जा रहे हैं। अब ये स्लीपर हमने दोबारा। हेलो गाइस, कैसे हो? मैं कमरा खाने सीटों पर हो रही है लड़ाइयाँ। तुमका चलो चुप होके बैठो, दुआ पढ़ो, सफर की दिमाग मत खराब करो, बाद में बोलना सब लोग। ओके पिज़्ज़ा अपने अपने बच्चों की सफर की दुआ पढ़ो। हाय दरक्षा अभी, अरे यार अंदर हो जाओ। हेलो, हाय बेबी। कोई था नहीं है ऐसे, तुम लोग करके पाशा भाई के पास पैसा। भाई यार मैं गाना गा लो, हम जुदा हो गए हाँ भाई मगर
चाचा किस हार्ट पेशेंट हो, मुझे नीचे बहुत गर्मी लग रही, नीचे एसी लगवाओ प्लीज। अबे एसी है इसमें भी तुम। तो गाइस सबसे दुनिया में सबसे प्यारी बहन हमारे लिए हमेशा कॉम्प्रोमाइज करती है, हमेशा ये भी पना मांगे फोन रख लो थोड़ी देर के लिए तब बचना चाहिए। सैक्रिफाइस करती है, बहुत अच्छी है। अरे पूरे ब्लॉग में आपकी तारीफ हो रही है। खानदान की दूसरी रूई है, मेरा नाम से नहीं कहते, खानदान की दूसरी रूई है। इस राइट ना जगह है, ये मन रो रही है वो जरा। नायबा बेटा कम शोर मचवाओ बच्चे से। आओ गाइस हमारे हाय 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 गाइस हम नमस्ते। अरे चुप हो जाओ, चलो वहां जाके मुझे आप पहुंचने दो। कह रहा है चपटे भाई, क्या चाहिए ब्रो आपको? तो गाइस लाइबा है खाना बांटने वाली, बांट रही है मैक्रोनी सबको, और ये लोग इतने भूखे हैं। बिस्मिल्लाह दुआ पढ़ लो, चलो सब वो नहीं मिली कोई बात नहीं। सुभान अल्लाह इन लोगों से पूछो, मैंने इनको भेज दी थी। ये डायपर जो है वो अपना डायपर लाई है, लेकिन मैं अपने पेट के अंदर चिकन नहीं उसे डायपर वाली। सही तो है वो बाद में काम आ जाएंगे। फैजान भाई भी है क्या? हाय हाय मैं भी हूँ। पूरी वो डाल दी थी क्या इतने केचप के साथ? तुम्हें पैसे देने के लिए पूरे रास्ते में मेरे पैर पे सो के ते हुए जाने क्या? हाँ पी क्या तू गाइस लोग सो रहे हैं। नायबा फैजान जी नायबा आप भी जा रहे हैं? लाइबा यार मेरी गोद दुख रही है बहन, हट जाओ। कभी घर से बाहर निकले बच्चे सो जाएंगे। मैडम आप बताएं, हाय आप भी जा रही हैं? ये कैसे बंद होगा बाहर? अच्छा मैं सोच रही हूँ मेरी सेम ऐसी नहीं है। ऐसी सेम आप तो नहीं सो रहा है अभी, भैया पूरे पैसे खर्च कर रहे हैं। क्या मिलेगा 5 रुपए में? हाँ मेरे भाई 5 रुपए में आपको भी मिलेगा बहन, 5 रुपए 5 रुपए। और मेरी प्यारी बहन आपको भी देंगे, और इन्हें आपको मिलेगा। अरे मेरे छोटे बच्चे आपको भी मिलेगा 5 रुपए में। मेरे भाई 5 रुपए ये मिलेगा। मिलेगा क्या? चाय। मेरे भाई यस। अरे कोई आज नहीं आता, तू उसके साथ क्या करते? मैं कान पे मारता 3 पैसे देता छीन। पूरे टाइम लेट ही जाओगी क्या? जी पूरे पैसे दिए मैंने। भाई क्या कह रहा है वो? लाउंज में वाली थी यार, लोग अंदर भी लोग रोको, ये अध्यक्ष को पकड़ो। मैं बेचूंगा, मैं बेचूंगी सामान बेच रहे हो क्या? पाँच रुपए में डोरी मैडम लेंगी? ऑफकोर्स लूंगी 5 रुपए में डोरी। बहुत सारी वैरायटी है नहीं, बिस्किट कौन सा देख लो दिखा लो मौके लगे चुरा लो। अच्छा कहीं नहीं, आ मेरे भाई मेरी बहन ये ले लो भाई। ये देंगे बहन आज ही देंगे आपको 5 रुपए में। अजीज भाई आपको भी मिलेगा बहन, मेरी बहन 5 रुपए कंपनी का खर्चा है, आप सबका फायदा, आप सबका मुनाफा कंपनी का खर्चा है। 5 रुपए में, 5 रुपए में तो कोई भी ले लेगा। गाइस मैं भी लेट थी, ये हिंदी है मेरे बेटा ना, सो जाते हैं हम। वैसे तो नींद आने वाली है नहीं हम दोनों, ये चाय के साथ ही खा पाओगे तुम? आप हुआ जेम भरा हुआ केक खा लो, जेम भरा हुआ केक चाय के साथ खाएंगे 5 रुपए चाय। हां भाई होटल में करेंगे, रहने दो होटल में करेंगे। आप पंप की सो ओ एक दूसरे की बोलो भूल जाएंगे इसलिए पूरा टिकट। देखो गाइस ये लोग सो रहे हैं, और ये मेरे प्यारे भाई हमारे। वार भाई जगे मेरे वार भाई उठाओ, ये सो गई, ये कैसे सो गई? सो गई ये दोनों गणेश।
गणेश हे गणेश दायमा सोने के लिए आई थी माता माता जे माता 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 जे यार ये सब लोग में आकर करने के लिए माता माता जे माता भगवान हमें भगवान हमको आशीर्वाद दो भगवान जीते रहो पुत्र जीते रहो आपने नींद खराब की है नहीं गाइस बदतमीजी नहीं आशीर्वाद ऐसे देते हैं भगवान हम जयपुर में एंटर कर गए हैं ये भी तक एंट्री करी है हम जयपुर में घूमते हुए आधा घंटा तो गाइस ये जयपुर का पूरा एरिया है बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स आ रही है यहाँ पे छोटे छोटे घर जो दिखने में बहुत क्यूट लग रहे हैं गाइस अभी ये बस जयपुर ही चल रहा है इतना कोई खूबसूरत लग रहा है ना देखने में यहाँ की रोड्स बहुत खूबसूरत है बहुत प्यारे यार कसम से मेरा दिल चाह रहा है अजमेर की जगह यही रुक जाऊं कितना खूबसूरत है लोगों की हालत देखो चोरों से बदतर नहीं हो रही आप शाह आप तो गाइस हम चाय पी रहे हैं अंकल जी की अभी हम जयपुर पहुंचे हैं बस और अभी हमारी बस यहाँ रुकी हुई है दे दे ब्रो ले वाले वाले ले लेना चाय शुक्रिया आधी वाली दे दो फाइनली पहुंच गए और हाल से हो चुका है बहुत बिहार हाय गाइस हाय गाइस कमरा खाली हम पहुंच गए मेरी हालत पे मत जाना प्लीज मैं एक ही घंटा सोई हूँ पूरे रास्ते उठी रही हूँ यहाँ से हम जा रहे हैं दरगाह उन्होंने सही रखी थी उस टाइम पे बात नहीं बिल्कुल भी गाइस हम जा रहे हैं फिलहाल होटल रूम लिए तो होटल देखते हैं भाई कहाँ है होटल हम अपने होटल पहुंच गए हैं अब आपसे मिलते हैं आधे एक घंटे बाद मैं तो बहुत ज्यादा हो गई हम लोग अपने होटल पहुंच गए हैं माशाल्लाह दरगाह के बिल्कुल बराबर में हमारी होटल है और गाइस अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आई होप कि आपको ये पसंद आएगा अब जहाँ भी जाऊँगी नेक्स्ट अपडेट आपको ज़रूर दूँगी